अस्सलाम वालेकुम, मैं हुनैला राशिद और मैं आज बना रही हूँ निहारी। और निहारी में आज बना रही हूँ मटन के गोश्त के साथ। और ये देखिए बहुत गोल गोल बोटियाँ हैं, जिसे गोल बोटी को शायद मछली की बोटी भी कहते हैं पाकिस्तान में लेकिन ये बकरे का गोश्त है। और उसके लिए जो है मेरे पास ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है जो कि मैं 2 टेबल स्पून यूज़ करूँगी। ऑयल है मेरे पास जो कि मैं 2 से 3 प्याली यूज़ करूँगी। और ये गंदम का आटा है मेरे पास जो कि मैं पानी में घुल के ऐड करूँगी 6 से 4 चम्मच के करीब। और करना मुझे ये है कि इस पतीले के अंदर, ये तो मेरे पास इंस्टेंट पॉट है, आप चाहें तो कुकर के अंदर ऑयल ऐड करें और उसके बाद जो है उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट का आप ऐड करें, उसे थोड़ा सा सॉटे करेंगे और उसके अंदर हम ये गोश्त ऐड करेंगे। और अगर एक्स्ट्रा नलियाँ आपके पास हैं गूदे वाली तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने यही वाला गोश्त लिया है और इसमें भी नलियाँ हैं और उसके अंदर गूदा भी है, तो मैं एज़ इट इज़ जो है वो ऐड करूँगी तेल के अंदर और उसे भी सॉटे कर लूँगी। और उसके बाद जो है मैं उसके अंदर पानी ऐड करूँगी जो कि 6 से 8 गिलास पानी डालकर मैं उसको धीमे आंच पर पकने के लिए रख दूंगी। लेकिन मेरा तो इंस्टेंट पॉट है तो मैं इसको तकरीबन 45 मिनट जो है मैं गोश्त को, क्योंकि अच्छा गला हुआ गोश्त होना चाहिए, वैसे 30 मिनट में भी अच्छा हो जाएगा, आपका जो टाइम है कुकर का आप उसके मुताबिक इस गोश्त को गला लीजिए। और उसके बाद जो है हम उसके अंदर पानी में घोल के गंदम का आटा ऐड करेंगे और फिर उसके बाद स्लाइस बारीक कटी हुई प्याज का धगार हम उस पर लगाएंगे और मज़ेदार सी हमारी बिरयानी। अच्छा, मैं बिरयानी के मसाले हमेशा बताती हूँ, पिछली बार भी मैंने आपको बिरयानी का पूरा मसाला बताया था, लेकिन इस बार जो मैं बिरयानी बना रही हूँ हमारी सिर्फ 4 चीज़ों से बन रही है, जिसके अंदर ये गोश्त है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ऑयल है, गंदम का आटा है और एक चीज़ और है जिसे कि मैं बना रही हूँ और वह है अहमद का निहारी मसाला। ज़िंदगी को आसान कीजिए और फर्स्ट टाइम मैं इस मसाले से निहारी बना रही हूँ, तो देखते हैं हमारी निहारी कैसी बनती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर किया मैंने ये है कि मैंने ऑयल ऐड किया और उसमें ये गार्लिक पेस्ट छोटे करके मैंने ऐड कर दिया है, थोड़ी सी उसमें जब उसको आएगी तो मैं उसके अंदर ऑयल ऐड कर दूँगी, बहुत ज़्यादा उसमें हो रहा है इसका, बट सॉरी उसका ऑयल नहीं बल्कि मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर दूँगी। थोड़ा इसको भून लूँगी, ज़रा गोश्त का कलर चेंज रहेगा तो मैं इसके अंदर अहमद का मसाला ऐड करूँगी और कुछ जो है वो घर के मसाले ऐड करूँगी। अच्छा जी, ये मेरे पास साबित धनिया, सौंफ, ग्रीन इलायची, जायफल, जावित्री, उसको मैंने थोड़ी थोड़ी सी अमाउंट में लेके उसको मैंने कूट लिया है मोटा मोटा। इसके अलावा जो है उसके अंदर ब्लैक पेपर और लौंग को भी मैंने, जैसे 2 से 3 लौंग है और 3 से 4 ब्लैक पेपर है, 4 ग्रीन कार्डमम है, सौंफ जो है वो 1 टीस्पून है और ज़ीरा है 1 टीस्पून, और उसके अलावा जो है वो 1 ही टीस्पून मैंने भर के कोरिएंडर लिया है, यानी साबित धनिया का मैंने लिया है। तो ये मैंने इसलिए क्वांटिटी इस तरह ली है क्योंकि मेरे पास ये अहमद का जो मसाला है वो मैं 1 से 1.5 टेबल स्पून भर के डालूँगी। उसके अलावा सौंठ है, हल्दी है और रेड चिली मेरे पास है पाउडर फॉर्म में, तो ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। आप चाहें तो ये डालें, आप चाहें तो सिर्फ आप अहमद का मसाला ही यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली मैं इसलिए वो मसाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास मसाले नहीं हैं, जैसे कि पिपली है वो जो है वो निहारी में बहुत ज़बरदस्त लगती है वो मसाला, तो एक तो मेरे पास मसाले नहीं हैं, तो वो मैं ये है कि 1 टेबल स्पून या 1 या 1.5 टेबल स्पून ये अहमद के मसाले का या जो भी मसाला आपके पास है ये मैं फ़र्स्ट टाइम डाल रही हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है। छूटे हुए मसाले इसके अंदर चले गए और अब ये पीछे हुए मसाले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और बस अब मैं इसके अंदर इतना पानी डाल दूँगी
ये गोश्त अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी गोटियाँ हैं, जल भी जाए और शोरबा बच जाए, जिसके अंदर बाद में पानी में घोल के गन्ने का आटा ऐड करूँगी। और उसके बाद जो है उससे मैं प्याज का उतार दूँगी और हमारी निहारी जो है वो तैयार हो जाएगी। मैंने इसको 45 मिनट के लिए पकने के लिए रखा है ताकि हमारा गोश्त अच्छे तरीके से हड्डी से छूट जाए। तो हमारी निहारी जो है वो तकरीबन तैयार हो जाएगी। बस उसके अंदर फिर हम आटा ऐड करेंगे और उसे भगाड़ देंगे। तीन टेबलस्पून आटा लेंगे और उसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करके निहारी के अंदर, जो कि अब तैयार हो चुकी है, पक चुकी है, गोश्त गल चुका है, उसमें ऐड करेंगे और कुछ देर उसको पकाएंगे जब तक कि वो थोड़ी सी थिक हो जाए। और बस फिर उसके बाद हम उसे देंगे भगार। तो निहारी हमारी तैयार हो जाएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से भी। उससे पहले मैंने किसी और तरीके से बताई थी, आप इस तरीके से भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।